अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वर्ल्ड विद माई आइज़ के साथ मैं हूँ उमर सैन। आज मैं आपको बताऊंगा 9 साल सर्फर विंस फ्लोज की कहानी। पुरतमाद नज़र आने वाली इस कम सन सर्फर को अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इनकी तस्वीर इतनी जल्दी इस तरह वायरल हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर उसे सर्फिंग के शौकीन 9 साल ब्लोज लड़की बताया गया है। अगरचे विंस फ्लोज की उम्र 9.5 वर्ष है, लेकिन आम ख्याल के बरक्स इनका तल्लक पाकिस्तान से नहीं। विंस पाक ईरान सरहद पर वाकया शहर चाह पहाड़ से तलग रखती हैं। पाकिस्तान में इनके चंद रिश्तेदार रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बलूचिस्तान के शहर गवादर, मंजगोर और तुरबत देखने का मौका मिला। वो इस तस्वीर में चाह पहाड़ के रामन साहिल पर सर्फिंग करते नज़र आती हैं। तमाम उनका कहना है गवादर का साहिल सर्फिंग के लिहाज से बहुत ही शानदार है। अगरचे उन्होंने अभी तक इस साइल पर सर्फिंग नहीं की, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा करने का इरादा रखती हैं। विंस ईरान के ओशियन सर्फ स्कूल की सबसे कम उम्र तालबा हैं। वो बताती हैं कि मैंने 8 वर्ष की उम्र में सर्फिंग का आगाज़ किया। मुझे वो लम्हा अब भी याद है जब मैंने पहली बार सर्फिंग की थी। वो एक बड़ा ही मज़ेदार तजर्बा था। आप पानी की सतह पर मुतरिक होते हैं। मैं शुरू में थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन सर्फिंग इतनी दिलचस्प सरगर्मी थी कि मेरा खौफ ख़त्म हो गया। इनके लिए सर्फिंग तो एक नई चीज़ है, लेकिन समुद्र से उनकी मोहब्बत बहुत पुरानी है। वो कहती हैं मुझे समुद्र बहुत पसंद है। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं अपने वालिद के साथ साहिल पर आ रही हूँ। वो मज़ीद बताती हैं मेरे वालदैन और चचा ज़बरदस्त सर्फर हैं, इसलिए सर्फिंग की दुनिया ज़्यादा कठिन महसूस नहीं हुई। विंस के वालिद इंटरनेशनल कोचिंग की सनद भी रखते हैं। वो अपने मुल्क के कौमी खेलों के मुकाबलों में 2 बार 5वीं पोजीशन हासिल कर चुके हैं। विंस जिस स्कूल में सर्फिंग की तरबियत ले रही है, उसे उनके वालिद अब्दुल रहमान ब्लोच चलाते हैं। वो कहते हैं एक तरह से ईरान में सर्फिंग की बुनियाद डालने वाले हम ही लोग हैं। सर्फिंग के शोबे से वाबस्ता हुए हमें तकरीबन 10 बरस गुजर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।